गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने प्रेस वार्ता कर समर्थन दिया, जिसके संबंध में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करुणाकांत मौर्य को प्रत्याशी बनाया है, जिसका हम सम्मान करते हैं और समर्थन देते हैं। हम अपने सभी वोटरों से अपील करते हैं कि सपा प्रत्याशी के पक्ष में 30 जनवरी को मतदान करें। वही इस संबंध में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने बताया कि चुनाव में 70% मतदाता सपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इस चुनाव में बड़ा परिवर्तन दिखेगा। समाज का स्नातक वर्ग सपा प्रत्याशी के पक्ष में है और जो गुट बना है वह भी हमारे पक्ष में है, चाहे वह अधिवक्ता हो या शिक्षक, कर्मचारी हो या स्नातक बेरोजगार, सभी सपा प्रत्याशी को वोट करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों की समस्याओं को सदन में उठाने का काम करेंगे, उनकी मांगों को सदन में रखेंगे। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ सपा नेता राजीव पांडे और गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र चुनाव के सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, मेमोरी कार्ड पूरा करवाना। विद्यार्थी राजनीति से मैं निकला हुआ हूँ, ऐसा कोई है नहीं कि मैं स्नातकों के बीच में पहली बार आया। मैं पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से इस क्षेत्र में रहा। हाँ, टिकट मांगा, टिकट बहुत लोग मांगते हैं, मैंने भी टिकट मांगा। नेतृत्व को लगा कि नहीं, ये बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, तो नेतृत्व ने इनको टिकट दिया। और जब ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मौर्या जी के साथ है। देखिए, ऐसा है कि मैं लगातार इस क्षेत्र में हूँ, आक्रोश है लोगों में, अध्यापकों में आक्रोश है, आक्रोश अधिवक्ताओं में है, आक्रोश नौजवानों में है, स्नातकों में है, तमाम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच में आक्रोश है। जो अभी एक प्रतियोगी परीक्षा हुआ था, आपने देखा था, गोरखपुर के लोगों का सेंटर गाजियाबाद डाल दिया गया, गाजियाबाद के लोगों का सेंटर आजमगढ़ डाल दिया गया। मैं ये कहता हूँ, मैं तो इस क्षेत्र में लगातार विद्यार्थी जीवन से हूँ, मैं तो हमेशा कहता था, सरकारें किसी की भी, कि हमारी प्रतिभा का अगर आकलन करना है तो हमारे प्रतिभा का आकलन हमारे गृह जनपद में क्यों नहीं हो सकता। हमारे प्रतिभा का आकलन गृह जनपद में होना चाहिए, तो निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक विषय है जिसमें हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद हम कर्मचारी शिक्षक को पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम तो अध्यापक शिक्षकों के साथ हैं, तमाम माननीय और दैनिक भोगी जो कर्मचारी हैं, तमाम लोगों का भत्ता नहीं मिल रहा है, वो हमारे साथ हैं। हम उनके बीच जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम सदन सड़क पे उतरे हैं, चुनाव में गए हैं, जनता की अदालत में हैं, जनता तय करेगी। लेकिन हमें ये लगता है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ये स्नातक चुनाव गोरखपुर फैजाबाद का चल रहा है, इस चुनाव कि हमारे सहयोगी माननीय राजू पांडे जी हैं, हमारे भी बगल में बैठे हुए हैं, तो हम लोग तैयारी की समीक्षा और माननीय राजू पांडे जी जो बड़ी तैयारी इस क्षेत्र में किए थे, आज हमारा सहयोग देने की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज नहीं देखिए। और राजू पांडे जी समाजवादी पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और समाजवादी पार्टी ने जब निर्णय लिया हमको चुनाव लड़ाने का, तो माननीय राजू पांडे जी ने पार्टी का सम्मान करते हुए और इस चुनाव में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसी ये चुनाव, स्नातक का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इस उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, जो आ भी रही हो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रही है और परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। तो बेरोजगारी, जो हमारे सबसे बड़े वोटर हैं बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार, निश्चित तौर पे हमारा मुद्दा हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार के किसका अवसर हो, इसके लिए हम सड़क से सदन तक उनकी संघर्ष करेंगे उसके लिए।
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अनुदेशक जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें स्थायी किया जाए, शिक्षा मित्र जो कहीं रेगुलर अध्यापकों से ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको जो मानदेय मिलता है उससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी घोषणा किया था कि हम शिक्षा मित्रों को समावेशित करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे वित्त विहीन विद्यालयों के अध्यापक हैं बड़े पैमाने पर एमए बीए डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के वो बेचारे 5,000 से 7,000 रुपये विद्यालयों में नौकरी करते हैं जिससे उनका जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल है और सरकार इन सभी हमारे शिक्षित लोगों के प्रति कोई भी अपना सहानुभूतिपूर्वक कार्य नहीं कर रही है, न इनके जो दुख हैं उनके साथ भागीदारी कर रही है। तो निश्चित तौर पे इसके साथ जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं, हमारी समाजवादी पार्टी इसको भी अपनी घोषणा पत्र में रखी थी कि हमारी सरकार बनती है तो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे। तो निश्चित तौर पे इन मुद्दों के साथ चुनाव क्षेत्र में है और इन मुद्दों के आधार पे समाजवादी पार्टी 2022 में 300 प्लस सीटों में बैलेट पे चुनाव जीती थी और ये भी चुनाव बैलेट पे होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ 70% से ज़्यादा मतदाता इस क्षेत्र के हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पे 30 तारीख को बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेंगे। कुछ भी कह सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट बने हुए हैं वो सारे के सारे वोटर हमारे, वो सब शिक्षित बेरोजगार हैं, उसमें से कुछ जो कर्मचारी हैं सब के सब दुखी हैं इस सरकार से, कोई वोटर किसी की जेब का नहीं है। मैं मानता हूं जो वोटर लिस्ट में जितने वोटर हैं सारे के सारे सम्मानित वोटर हमारे हैं और सभी लोग एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। देखिए मैक्सिमम शिक्षक गुट हमारे साथ है, शिक्षक गुट इस चुनाव में सबसे बड़ा गुट होता था शर्मा गुट जो चुनाव लड़ने से मना कर चुका है और सभी शिक्षक कर्मचारी ओल्ड पेंशन को लेकर के हमारे साथ। देखिए ये चुनाव 70-30 के रेशियो में जाएगा, 70% समाजवादी पार्टी होगी और 30% में बाकी अदर होंगे, तो मैं नहीं मानता किसी से लड़ाई है। इस चुनाव को जीतकर आप बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? इससे देखिए हम विपक्ष में हैं जरूर, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और सड़क से लेकर संसद तक सदन तक बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे।